हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मैथमेटिक्स D1 सीरीज़ फॉर क्लास 6 एंड दिस इज़ एक्सरसाइज रिव्यू 4, बुक पेजेस 104। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की है इसी क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8 है ये। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, ये जो मैंने आपके सामने सॉल्व है, इसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और मैं यहाँ तक बी पार्ट में यहाँ तक पहुँचा था कि वो वीडियो वहाँ पर स्टॉप मुझे करनी पड़ी और मैं इसकी सेकेंड वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपने ये बी पार्ट जो है वह स्टार्टिंग में नहीं देखा तो काइंडली वहाँ से देख लें। अच्छा, मैं अब ये पोर्शन रिमूव करता हूँ। आप लोगों ने अगर नोट कर लिया है या नहीं किया, आप इसको काइंडली अपनी कॉपी पेस्टिंग कर लें, इसको अपनी कॉपी रजिस्टर पे कर लें। मैं इसको अब रिमूव करने लगा। ऑलराइट, अच्छा जी, ये यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि ये जो 50 × 3z − 2 दिया हुआ है मिनट्स में, आपने इसको 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया, इसलिए तो इसी चीज़ को 50 × 3z − 2 को लिख के इसको 60 के साथ मल्टीप्लाई करें और एंड पे सेकंड लिख दें, क्योंकि सेकंड में आने के लिए मिनट्स को सेकंड में लाने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और 50 टाइम्स हो जाएगा 3000 और 3z − 2 अभी एज इट इज़ उतरा है, फिर ये 3000 अंदर ब्रैकेट के एंटर होके 3 से मल्टीप्लाई होके 9000z और यही 3000 2 से मल्टीप्लाई होके 6000 आ। तो ये पहले वाले इस चीज़ का जो है वो आंसर फिलहाल वैसे लाइन नहीं कोई लगानी चाहिए। अब दूसरा जो है ना, इसके साथ ही नीचे से स्टार्ट करेंगे। दूसरा जो इसने 4z दिया हुआ था, 4z + 4 × z + 1 आवर्स दिया हुआ था, ठीक है ना, इसको 60 सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको डबल 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 60 को 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। 60 एक दफ़ा, अगर तो मिनट्स को सेकंड में लेके जाना हो तो एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आवर्स को सेकंड में लेके जाना हो तो 2 टाइम्स 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन शॉर्ट में यहाँ पर 3600 भी लिख सकता था, या यूँ कह लें कि आर्स को सेकेंड्स में जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने 2 × 60 लिख दिया। बाकी ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी, 4 × चलें इसको काम को छोड़ा करने के लिए मैं इधर 3600 लिख ही देता हूँ। तो यूँ कह लें कि आर्स को सेकेंड में लेके जाने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं, बाकी 4 × z + 1 एज इट इज ही रहा। 4000, 4000, 4 6 × 24, 2 कैरी, 4 3s are 12 और 2 कैरी लेके 14 × z + 1 एंड पे सेकेंड भी लिखें, क्योंकि अब आपने 3600 से मल्टीप्लाई कर दिए। 14400 जेड और 1 दोनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, 14400 जेड से मल्टीप्लाई होके 14400 जेड और इस 1 से मल्टीप्लाई होके 14400 ही आ जाएगा। स्पेस छोड़ के आगे जाके थोड़ा सा सेकेंड लिख दें। अब उसने क्या कहा हुआ है, फाइंड द सम, सम का मतलब ऐड करना है, तो अब इनको सम कर लेते हैं। सम करने के लिए आप पहला वाला जो टाइम आया था 9000 z − 6000 सेकेंड्स − 6000, वो भी सेकेंड्स में है, ये भी सेकेंड्स में है, अब आप दोनों को आसानी से प्लस माइनस कर सकते हैं, दोनों भी अब सेकेंड्स में हैं, तो प्लस करने जा रहे हैं। दूसरा जो टाइम है प्लस 14400 z और लास्ट पे है 14400 ही, तो जो नहीं इधर लिखते तो 14400, वो भी प्लस में था। ये 9000 z पॉजिटिव है और ये 14400 z ये भी पॉजिटिव है, दोनों आपस में प्लस होके क्या हो जाएगा, 14000 में अगर 9000 प्लस करें तो 23000 आता है, तो 23400 आ जाएगा। मैंने जिनके ऊपर टिक लगाया है ना, ये 9000 z और ये 14400 z, इन जिनके ऊपर टिक लगाया था इनको प्लस किए। अब यहाँ पे ये 6000 कांस्टेंट है, 14400 कांस्टेंट, यानी कि इनके साथ कोई अल्फ़ाबेट नहीं है, वेरिएबल वगैरह नहीं है। बिगर वैल्यू 14400 है, इसका साइन पॉजिटिव लगाएं, इन दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है, ये वाली, ठीक है ना, इसका साइन पॉजिटिव वाला लगा दिया। वैसे इसके साथ माइनस है, इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होकर 8400 आ जाएगा। तो ये एंड पर लिख दें जी सेकेंड्स, क्योंकि ये भी सेकेंड में था, ये भी सेकेंड में था। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप ऑन वॉचिंग। इफ़ यू आर फर्स्ट टाइम व्यूअर, काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप अप टू डेट इट।